फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल चैंप्स। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको ये वाला ड्रोनजर V2 बनाना सिखाया था, जो कि बहुत ही अच्छा बना था और काफ़ी हैवी भी था। तो अपनी उस वीडियो में मैंने इसका टेस्ट स्पिन नहीं दिखाया था, जो कि आज मैं दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा भी स्पिन कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टेस्ट स्पिन। तो ये आ गया हमारा स्टेडियम और ये आ गया हमारा लॉन्चर। तो चलिए इसको लॉन्चर में डालते हैं और 3-2-1 गो। तो देख सकते हैं ये तो काफ़ी बढ़िया स्पिन कर रहा है और कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है इसके स्पिन करने में। एक और टेस्ट स्पिन करते हैं। इस बार तो काफ़ी अपनी पूरी की पूरी स्पीड में स्पिन किया है और काफ़ी तेज चल रहा है। तो चलिए बैटल करते हैं। तो ड्रोनजर है तो ड्रोनजर के साथ ही करेंगे, ड्रोनजर जी वर्सेस ड्रोनजर V2। तो देख सकते हैं इसका कलर निकल चुका है थोड़ा और इसका है, क्योंकि यह नया नया बना। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट बैटल। तो ये चल तो रहा है पर मैंने ढंग से लॉन्च नहीं किया, अप किया है। मुझे एक नया लॉन्चर बनाना पड़ेगा ताकि ना इंसाफी ना हो किसी के साथ ही। तो देख सकते हैं ड्रोनजर V2 साफ साफ जीत चुका है, अगर पूरे स्टेडियम में मैं आपको दिखाऊं तो। चलिए एक और बैटल करते हैं, बट इस बार हम करेंगे इसके साथ बैटल, इन दोनों सेम स्टाइल है इनका। तो चलिए करते हैं 3-2-1 गो। टर्बो स्प्राइजन भी काफ़ी ही बढ़िया बेब्लेड है मेरा। तो ड्रॉ हो गया है, कोई नहीं जीता, ना ही ड्रोनजर जीता ना ही स्प्राइजन जीता। स्प्राइजन आपको भले ही वीडियो में लग रहा हो कि धीरे स्पिन कर रहा है, पर वो काफ़ी तेज स्पिन कर रहा है, बट एक ही टक्कर में ख़त्म। तो चलिए एक और बैटल करते हैं अपने लेटेस्ट बेब्लेड के साथ, जो कि मैंने इससे पहले बनाया था, जो कि है ड्रेन फैफनियर। तो फैफनियर को हैंड स्पिन करेंगे। चला ही नहीं इस बार तो हमारा ड्रोनजर V2। छोटे उनका शुभ। तो देख सकते हैं मेरा फैफ ने स्टिल स्पिनिंग के साथ ड्रॉ कर चुका है। शूट, और ये तो ढंग से नहीं चला। वैसे रियल में जितना अच्छा लग रहा है उतना शायद से वीडियो में अच्छा ना लग रहा है, पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है रियल में अगर बात की जाए तो। और स्पिन भी उतना ही बढ़िया करता है, कोई कमी नहीं है स्पिन में। 31 लेटर ट्रिप। तो पूरी एनर्जी ले ली फैफनियर ने, तभी हार गया। तो चलिए ड्रोनजर V2 वर्सेस ड्रोनजर V करेंगे। इसका कलर देख सकते हैं आप और इसका देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है इससे, क्योंकि इसको मैंने पेंसिल कलर से किया था, मेरे पास तब स्केच पेंस नहीं थे। पर स्पिन तो दोनों ही अच्छे करते हैं। ड्रोनजर V के आगे वाला वर्जन है ड्रोनजर V2, नाम से ही पता चल रहा है V और V2। V2 जी दिया और V पीछे रह गया। अब हम फाइट करेंगे ड्रसील से। प्लास्टिक जैन के वे ब्लेड है इसलिए प्लास्टिक जैन वाले से ही मैं कर रहा हूँ। वाओ गाइस, ड्रोनजर जीत गया, मेरा सबसे बढ़िया वे ब्लेड जो है उसको ड्रोनजर ने हरा दिया। ड्रसील मेरा स्टिल स्पिनर है, क्योंकि ड्रसील भी काफी अच्छा स्टिल स्पिन करता है।
और एक मैच खत्म। देख सकते हैं तो एक और फाइट करते हैं जो कि होगा हमारा गिल्टी लॉन्गिनस। तो ये लेफ्ट स्पिन है तो मुझे लॉन्चर को लेफ्ट में अब कर दिया है मैंने। तो गिल्टी लॉन्गिनस को भी पीछे छोड़ के आगे जाते हैं हमारे ड्रॉन्जर और इस बार फाइट मैं करने जा रहा हूँ बढ़िया वेबलेट के साथ। जीत चुका है हमारा वेबलेट, ये सीवियर वेलक्री जीत गया और ड्रॉन्जर भी टू हार गया। बट ये तो एक फाइट हुई दोनों के बीच, पता चल जाएगा। अभी फिर हार गया सेवियर वेलक्री में। जो ये है ये देख सकते हैं ऐसे, ये इसको टिकने ही नहीं देते। तो लास्ट फाइट, तो ये फाइट तो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें आएगा हमारा इसका सबसे ताकतवर विरोधी ड्रैगून V2। अगर देखा जाए तो ड्रैगन V2 काफ़ी छोटा है ड्रॉन्जर V2 से। तो फाइट को शुरू करते हैं, पहले ड्रॉन्जर V2 को ही करेंगे क्योंकि ड्रॉन्जर V2 ड्रैगन V2 से 1000 गुना ज़्यादा भारी है। और इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी टक्कर मारने की। एक बार फिर से टाइटन फिश, एक और फाइट कर लेते हैं बट दिस इज लास्ट फाइट क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। करना नहीं चाह रहा था मैं इतनी लंबी, बट इतने सारे बैटल्स होंगे तो वीडियो तो ऑब्वियसली लंबी हो ही जाएगी, ना चाहते हुए भी हो ही जाएगी। तो दुर्भाग्य से हमारा ये ड्रॉन्जर हार गया इन्फिनिट अकिलिस से। आखिरी इन्फिनिट अकिलिस के साथ ही करेंगे आखिरी फाइट भी, ढंग से लॉन्च नहीं हुआ था इसलिए इस बार भी नहीं हुआ। ये बीच बीच में क्या हो रहा है कि इन्फिनिट अकिलिस थोड़ा ज़्यादा ही पतला है नीचे से, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। तो इस बार हो गया। तो जीत गया ड्रॉन्जर। बाय गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए अगर आप और बेबलेट्स बनाना सीखना चाहते हैं। बाय।